अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, प्राइड ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सभी। और प्राइड ऑफ पाकिस्तान इट्स एक्सक्लूसिव शो फॉर प्राइड ऑफ पाकिस्तानी। और ये मेरे लिए बड़े एजाज की बात है कि मैं उन लोगों का इंटरव्यू ले रही हूं जो वाकई में पाकिस्तान का प्राइड है और इंस्पिरेशन है उन सब लोगों के लिए जो उनसे सीख सकते हैं। प्राइड ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज मैं जिस जगह मौजूद हूँ ये मैं इतनी खुश हूँ कि वाकई में जिन लोगों ने ये क्रिएशन की, ये तख्लीक की, लोगों के लिए सहूलत प्रोवाइड की, आज मैं उस जगह पर मौजूद हूँ। पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में एक नाम है, एक ब्रांड है और वो है ईदी साहब का। मैं सलाम पेश करती हूँ ईदी साहब को। एक ऐसा ब्रांड है, एक ऐसा नेम है जिसने वाकई में इस जुमले को पूरा कर दिया है कि अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। वाकई में जब मैं ईदी साहब का नाम ले रही हूँ तो रियली मैं सच कह रही हूँ, मेरे अंदर एक रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और उनकी तमाम कामों को मैं सलाम पेश करती हूँ, चाहे जो लोग अपने बच्चों को छोड़ जाते हैं, जो बच्चियाँ घर से भाग जाती हैं, जो औरतें जो अपने शौहरों से परेशान हैं, वो उनके हस्बैंड उनको मारते हैं, वो औरतें, और वो औरतें जिनके बच्चे हैं लेकिन उनके बच्चे अपने माँ बाप को नहीं रखते, वो सारे क्राइसिस। और पेरेंट्स चाहे आदमी हो या औरत हो, ये दर खुला है और वो है ईदी साहब का। 300 से ज़्यादा पूरे पाकिस्तान में इनके सेंटर मौजूद हैं। और बैड लक यूँ कहूँगी कि मेरा उनसे वैसे तो मुलाकात हुई लेकिन इंटरव्यू तक नहीं बात पहुँची, लेकिन बिल्किस ईदी का मैं इंटरव्यू ले चुकी हूँ बहुत पहले, लेकिन अभी भी वो दुनिया में नहीं है। अल्लाह पाक उन दोनों को अपने जवार रहमत में जगह दे। और लेकिन उनका एक बेटा बेटी और उनकी बहू माशाल्लाह अपने इस खूबसूरत निज़ाम को, ईदी सेंटर को लेके चल रहे हैं बड़े अच्छे अंदाज में। और बड़ी बात होती है कि अच्छे काम को कोई और भी उसी अंदाज में लेके चले। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं फैसल, सबा, ईदी और ये बहू है ईदी साहब की। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाभी? अल्हम्दुलिल्लाह। अरे अच्छा लगा आपसे आखिर टाइम मेरे पास, मुझे आपने टाइम दे दिया। अच्छा भाभी, आपके लिए तो बड़े एजाज की बात है कि ईदी साहब आपके साथ एक वक्त गुजारा। आपके तो उनकी ऑफ कोर्स वो आपके ससुर रह चुके थे और उन्होंने आपके साथ ये सब काम धाम सब देखती थी। जब आई अपने ससुराल में तो कैसा उनको पाया ईदी साहब को? बहुत अच्छा पाया और मैं खुशकिस्मत हूँ कि इनके घर की बहू बनी, इनकी फैसल की वाइफ बनी। और बहुत अच्छा लगा इसलिए कि ये जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत जो इंसानियत के ये जो काम है हर किसी को करना चाहिए और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। तो मुझे एक अच्छा भी लगता है और एक प्राउड भी है कि मैं इनकी बहू हूँ। और अभी जिम्मेदारी ये मेरे ऊपर, मेरे हस्बैंड के ऊपर, बच्चों के ऊपर, सबके ऊपर है। तो पूरी कोशिश करेंगे कि इन जैसा बनने की और अच्छे से अच्छा काम करने की। अच्छा जिस तरह आपने कहा कि मैं इनके साथ एक अच्छा काम करें, इंसानियत का काम करें, बड़ी बात होती है। और हर जबान और लसानियत से दूर हटके, ये कि भाई ना कोई देख रहे हैं कि ये कौन सी जबान से ताल्लुक रखते, कौन सा मजहब है, आप लोग एक खिदमत के लिए बस खड़े हैं। अच्छा जब आप यहाँ पर आई तब तो सर पता ईदी साहब बिल्कुल ईदी साहिबा जो है काम कर रही थी, तो उस वक्त भी आपका एक सोच थी कि मैं कुछ करूँ? उस वक्त उन्होंने आपको, मैंने क्योंकि मैं गई हूँ मीठा दर जो है आपके वहाँ पर, छोटे न्यू बॉर्न बेबीज भी हैं झूले में, मुझे बिल्कुल साहब ने पूरा विजिट करवा चुकी है, बहुत अच्छा उन्होंने, जिसमें 4 साल के 6 साल के बच्चे भी थे। तो उस वक्त क्या आप ज्वाइन हुई कि बाद में उनकी इंतकाल के बाद आपने कहा नहीं मैं भी इनकी आगे सल्तनत संभालूंगी, इतनी खूब लेके चले खिदमत वाली? नहीं, मेरे बच्चे जब छोटे थे, शादी हुई फिर बच्चे हुए जाए, स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सही होता है। फिर जैसे जैसे बड़े बच्चे होते गए तो फैसल ने, मम्मी ने, अब्बू ने, सब ने कहा कि आप भी साथ साथ में मम्मी के साथ आप आओ। अच्छा। जाओ सीखो, आगे आपको ही संभालना है। तो माशाल्लाह ये कि मेरे नंदे हैं जो
अलमा सीदी, कुबरा ईदी, मैं और फैसल तो सब से मिल के ही सब करते हैं। और ये कि अबू को तो 6 साल हुए इंतकाल को, तो सारा फैसल ने सारा संभाला हुआ था माशाल्लाह। फिर जब मम्मी का इंतकाल हुआ तो बहुत ज़्यादा अपसेट थे फैसल, हद से ज़्यादा। तो ये कह रहे थे कि कौन संभालेगा, कौन संभालेगा। तो एक दिन मैं मम्मी के यहीं पे रुकी हुई थी मैं काफ़ी दिनों से, और फिर मम्मी के कपड़े भी पहने हुए थे मैंने, तो फैसल ने आके कहा कि ये आपकी जिम्मेदारी है। और हमने सोचा कि आप यहाँ पे मम्मी की सीट पे बैठो और मम्मी की तरह आप करो काम। तो मैंने कहा बिस्मिल्लाह। अच्छा काम कोई कौन करना ना चाहेगा, बड़ी बात है, बड़ी अच्छा काम। तो यही मेरे बच्चे भी इसमें माशाल्लाह इन्वॉल्व हैं, मेरी बेटियां भी हैं, दो बेटे भी हैं दो माशाल्लाह। तो जो सबसे बड़ा बेटा है वो तकरीबन 7-8 साल की उम्र से ईदी साहब इसको लेके चल रहे थे। तो माशाल्लाह वो तभी इस हद तक माशाल्लाह इन्वॉल्व हो चुका है कि अपने से ही काफी कुछ काम कर लेते हैं माशाल्लाह। ये तो मैं कहती हूँ, ये तो हर सिर्फ आपके बच्चों को नहीं बल्कि मैं कहती हूँ पाकिस्तान के हर बच्चे को ये खिदमत का, हर इंसान के अंदर ये होना चाहिए कि आगे काम करने का, एक दूसरों की खिदमत का, इंसानियत का, बिल्कुल बिल्कुल जज्बा, ये बहुत जरूरी है। अच्छा मैं क्योंकि अभी ईदी साहब तो नहीं है तो मैं सवाल ये करना चाहूंगी, अगर वो होते तो मैं ये पूछती कि आपके दिल में ऐसी क्या बात आई कि आपने एक खूबसूरत निजाम को आगे लेके चले। आपसे कभी उन्होंने जिक्र तो किया होगा कि कैसे स्टार्ट कैसे हुआ, शुरू कैसे हुआ इसका? ये जब बाटवा में इंडिया में ये थे ईदी साहब, इनकी माँ होती थी, इन्होंने कहा कि शुरुआत तो इन्होंने ये इसकी माँ ने कहा कि मैं 2 आने दूंगी आपको। अच्छा? एक आना किसी के लिए, किसी की मदद के लिए, एक आना आप खुद के अपने खर्च के लिए। बड़ी बात है, बड़ी। तो ये यहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया, उस माँ के बेटे जिसने ये सिखाया, उस माँ ने सिखाया। तो इस सिलसिला अभी भी है, ईदी साहब ने हमें भी सिखाया, हमें भी बहुत गाइड किया, हमें भी बहुत ट्रेनिंग दी और कहा कि इंसानियत से बढ़कर कोई काम नहीं। बड़ी बात, बड़ी बात। अच्छा ये हकीकत है कि अगर हम अपने काम के जो भी हमने कमाया है, अल्लाह पाक ने एक निजाम बनाया ना, सदका देना, खैरात देना, तो वाकई में अल्लाह के साथ जब भी आपने इस तरह की कोई हिस्सेदारी की वो नुकसान में नहीं गया, वो कभी घाटे में, हमेशा फायदा रहा, फायदे में ही रहा है। बिल्कुल ठीक कह रही है जी राजी। इस वक्त फैसल ईदी की मिसेस जो हैं सबा फैसल ईदी मौजूद हैं, और नाजिन आप लोगों ने भी कहीं नहीं जाना, मेरे साथ रहना है प्राइड ऑफ पाकिस्तान में। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद सभी के साथ। और आप हैं प्राइड ऑफ पाकिस्तान के एक्सक्लूसिव शो में, और मैं हूं आपकी होस्ट सभी, और इस वक्त मेरे बहुत ही मेरी बहुत प्यारी यहां पर बहन मौजूद हैं, और मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है क्योंकि जो खिदमात ईदी साहब ने अंजाम दिए हैं उनको वो लेके उसी जज्बे के साथ खुद भी, उनके हस्बैंड यानी कि ईदी साहब के बेटे फैसल साहब, और फिर अपने बच्चों को भी अपने साथ ज्वाइन कर रही हैं, और वो भी उनके बच्चे भी उसी तरह खिदमत सरंजाम दे रहे हैं। तो बात करेंगे मैं सबा फैसल की। जी सबा फैसल साहबा, ये बताइए कि ऑफ कोर्स आपने कहा कि ईदी साहब ने जो सेंटर्स जो पाकिस्तान में प्रेजेंट किए वो कम से कम 300 से अबव है, और ये बताएंगे कि किस किस तरह के यहाँ पर काम हो रहे हैं, मतलब किस तरह की खिदमत हो रही है? सबसे बड़ा तो है एम्बुलेंस सर्विस। गुड गुड, ये है, ठीक है। पूरे मुल्क में ये सर्विस चल रही है और बहुत कम मुआवजे में। ओके। और कभी ये होता है कि कोई पे नहीं कर सकता तो उनको हम फ्री कर देते हैं। गुड है, सही है। दूसरा ये है कि अडॉप्शन का काम है, बाकी माशाल्लाह इतने सारे शेल्टर होम में हमारे माशाल्लाह इतने सारे बच्चे हैं, अडॉप्शन का काम है, बच्चियों की शादियों का काम है। अच्छा। सारे जी, तो माशाल्लाह तकरीबन हजारों में मम्मी ने शादियाँ की हैं बच्चियों की तकरीबन। ओके। तो और सारी बच्चियां बहुत खुश है अपने घर में बहुत, और जिस तरह हम अपनी बच्चियों की शादियां करती हैं छानबीन करके, तहकीकात करके, इस तरह से ही मम्मी अपना ये सारा करती थी, और जो जहेज में हम बच्चियों को देते हैं इस तरह से सारा जहेज भी मम्मी देती थी। अच्छा, जिस तरह आप लोगों की मैंने देखा कुछ लोग बच्चे अपने माँ बाप को नहीं रखते, तो फिर आपके ओल्ड होम भी है? जी, 3 ओल्ड एज होम है हमारे,
जेंट्स के भी है और लेडीज का भी है। ठीक है। तो माशाल्लाह इसमें काफी बूढ़ी औरतें हैं और जेंट्स भी है काफी, और बच्चे छोड़ के चले जाते हैं अरे इनको, अल्लाह, और ये होते हैं ये, और खुद से भी कहते हैं कि अभी हमें नहीं जाना, जो इज्जत हमें यहाँ पे मिली हमें अपने घर में नहीं मिली। जाहिर तो बात। हर चीज इनके हम इनको देते हैं, खाना पीना छत माशाल्लाह हर चीज, कपड़ा हर चीज इनके फैसिलिटी इनके हम देते हैं ना। वैसे भी सभा जी कोई शौक से थोड़ी कोई सेंटर्स में आ जाता है अपनों को छोड़ के। एक 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 औरत को या जिस एक शख्स को या बच्चे को क्या जरूरत होती है? बहन भाई माँ बाप का प्यार जी और एक शेल्टर और रोटी खाना जो जी भी है, ठीक है, जरूरत है जिंदगी की, ये चीजें जो जी बेसिकली इब्तदाई है, तो ये तो बहुत नेसेसरी है। फिर वो बाद में एजुकेशन। अच्छा, आप साथ में हुनर्स वगैरह जी खवातीन को स्किल्स वगैरह जी की। जी बच्चे तालीम भी हासिल कर रहे हैं, हमारे स्कूल्स भी हैं अच्छा, जी, गुड हमारे सेंटरों में स्कूल भी है और अलग से भी स्कूल्स हैं गुड। सारे, ये भी हैं, और बच्चों को सिलाई कढ़ाई कुकिंग सा हर चीज़ हम सिखाते हैं बच्चों को, मेहंदी वगैरह पॉलर का काम हर चीज़ के, इनको रियली हर चीज़ का हुनर गुड आना चाहिए कि गुड। माशाल्लाह ये अपने घर भी जाएं तो इनको कुछ परेशानी ना हो। माशाल्लाह घर तो मम्मी चुन के ही देती थी कि वहाँ पे आए खुश रहें बच्चे हमारे, तो इनकी नौबत नहीं आती, मगर एक हुनर होना चाहिए जो अपना अच्छे से कर सके खुद भी और फिर अपने बच्चों को भी ये हुनर दें, तो ये होता है कि हम बच्चों को सारा हुनर भी देते हैं। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से लोग ईदी सेंटर का, यानी कि ऐसी कौन सी ज़्यादा आपने फेस की, जैसे ओल्ड एज ज़्यादा भर रही है या आपके बच्चियाँ ज़्यादा आ रही हैं या छोटे मासूम बच्चे हैं जिनके माँ बाप छोड़ देते हैं, तो कौन सी ज़्यादा जो है ना वो आप देख रहे क्राइटेरिया लोगों में गलत रुझान पड़ रहा है जिसकी वजह से लोग सेंटर्स जा रहे हैं? सब बड़ी इश्क भी आ रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, बच्चियां भी भाग भाग रही हैं, ये सारा है फोन का, आए मोबाइल हाय फोन से, सही है। बाकी ये कि आजकल सबर नहीं है, अगर बड़ा कोई जिस घर में माँ बाप होते हैं वो भी हमें डांट देते हैं, जिस तरह से हम अपने माँ बाप की डांट खा लेते हैं और बिल्कुल जवाब बिल्कुल नहीं देते, भाई, इस तरह मार भी से खाई है भाई, हाँ सास ससुर का भी कुछ हम बर्दाश्त कर बिल्कुल लेंगे तो बिल्कुल कुछ नहीं है बिल्कुल मुजायका। तो बड़े हैं अच्छे के लिए डांटते हैं, सुनना चाहिए इनकी, सामने जवाब नहीं दो, बिल्कुल जाहिर ये ठीक भी एक है। माँ बाप ही हैं जाहिर है, बिल्कुल तो इज्जत करें माँ बाप की, बड़ों की, यही सबसे है कि सबकी रिस्पेक्ट करो, बहुत चाहे अच्छी छोटा बात, हो बहुत चाहे बड़ा हो, बिल्कुल। सबकी रिस्पेक्ट जरूरी है। अच्छा, आप जो बता रही थी कि बेसिकली तरबियत का जो है वो जो कम है बच्चों में, जो पेरेंट्स ने मेंटली प्रिपेयर ही नहीं किया कि बेटा के प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं और रिस्पेक्ट, बहुत बच्चे मेंटली प्रिपेयर नहीं। आप कहना ये चाह रहे हो कि जो बच्चियां भाग भाग के सेंटर्स पर चली एक जाती हैं? तालीम का रुझान बहुत कम है हमारे यहाँ, ओके ठीक है, बहुत कम है तालीम का रुझान। तालीम हमें अच्छा तरबियत देती है, अच्छा बेशक सिखाती बेशक, है, बहुत अच्छी, तो यही बात होती है कि एक घर का माहौल जो होता है ये, वो और ड्रामे एक से बिल्कुल अलग अलग होता है। होता है, और बच्चे ये जो ड्रामों में फिल्मों देखती हैं वो में बिल्कुल अलग देखती होता हैं। है माहौल, तो इससे भी ये बच्चियाँ कम उम्र सीखती हैं। में मैंने ये नोट किया है, हमारे जो न्यूज़ में भी देखा है, वो 12-14 साल की उम्र की जी बच्चियां हैं जो इतनी मोबाइल गलत यूज़ ज़्यादा करती हैं बता। आजकल, मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं लड़कियाँ, इससे ही ज़्यादा गुमराह होती हैं लड़कियाँ बिल्कुल बिल्कुल आजकल। सही कहा, ड्रामे और फिल्मों का माहौल बिल्कुल अलग है। चलिए और जी, घर का हमारी माहौल गुफ्तगू अलग है। ऑफकोर्स एक हमारा हर तरह के सिनेरियोज है। अच्छा, जो बिल्कुल छोटे बच्चों के पेरेंट्स अपने बच्चों को छोड़ के फिर परवाह ही नहीं करते, तो ऐसा क्यों होता है? आप इसको किस नज़र से देखती अभी एक बच्ची आई थी हैं? बिल्कुल होंठ कटी हुई, आई और तो इन्होंने झूले में दिया ना, बच्ची को झूले में छोड़ के गए और ये कह के गए कि हमारे पास बहुत सारी 3-6 5-6 बच्चियां हैं, तो अभी इसको मस्जिद हम नहीं रख सकते। आई एक तो अल्लाह, ये, और दूसरी गुर्बत बहुत ज़्यादा है हमारे मुल्क में, बहुत ज़्यादा गुर्बत है, तो इसकी वजह से भी बच्चे छोड़ के चले जाते हैं कि हम क्या खाएंगे, बच्चों को क्या खिलाएंगे, परवरिश कैसे करेंगे बच्चों की, तालीम क्या देंगे, तो एक अच्छा ये चीज़ें होती हैं। एक बड़ी, ये तो चले शुक्र है, अगर ये सेंटर नहीं होती तो लोग जान से ही मार देते बच्चों को, लेकिन मैंने देखा है 2-3 लोगों ने अपने बच्चियों को जान से मार दिया, बिल्कुल न्यू बॉर्न काफी बेबी, बच्चे, काफी 21 साल बच्चे की बच्ची, 21 दिन की बच्ची, उसका गला घोट के मार दिया या इस तरह कुछ हुआ, तो इससे बेहतर है किस किसी सेंटर में दे दे, किसी के सेंटर, जिंदगी तो ना किसी किसी को की गोद भर जाए, कत्ल तो ना करे कत्ल, ना, एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलते 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो मैं ये तो कहूंगी अल्लाह का शुक्र है ये सेंटर आबाद है, तो कम अज कम ये जो मासूम बच्चियों का जी क्या कसूर, वो तो अल्लाह पाक दुनिया जी में वो लाते हैं तो ना, मासूम ही होते, बच्चे उनको तो तो मासूम है, नहीं, इनका कोई उनको कसूर नहीं, जान से गला घोट के इनका मारना, मैं कोई कहती हूँ कसूर नहीं है। बड़ी, अल्लाह माफ करे हमें, अल्लाह पाक बचाए, और ईदी साहब का ये जो है
जो है खूबसूरत सा घर सेंटर घर ये इसी तरह आबाद रहे कि कम से कम उन लोगों को एक धारस तो होती है जो लोग राइट वे में है उनके लिए तो एक धारस है। अब ये मासूम बच्ची अगर यहाँ पर आएगी तो पलेगी बढ़ेगी कुछ उसकी जिंदगी और इज्जत तो जो है ना वो तो महफूज रहेगी। कम से कम अगर अल्लाह ने करे कोई किसी को कत्ल कर देते ये तो गुनाह है ना, ये तो अच्छी बात नहीं। एक गुनाह छुपाने के लिए सौ गुना। अच्छा सबसे ज्यादा कभी ऐसा एक वाकया कभी आपकी जिंदगी में गुजरा हो कि सभी मेरा दिल इस वक्त बड़ा दुखी हुआ कि ऐसा क्यों हो गया, कभी ऐसा वाकया आपके लाइफ में आया हो कि आपका दिल टूट गया हो? पांच छह साल पहले की बात है, मैं यहाँ पे आई हुई थी मीठादर में, मम्मी के पास आई थी, मम्मी गई हुई थी अमेरिका में गई हुई थी तो मैं यहाँ पे थी। तो एक लड़की आई शादीशुदा थी और वो नाराज़ होके आई थी, ठीक है, अपने शौहर से नाराज़ होके आई, ठीक है, बच्चे भी थे छोटे जो बच्चे भी थे, आय अल्लाह। तो पहले तो कुछ पता नहीं रही थी, फिर मैंने पानी वानी पिलाया, इसको समझाया, कुछ खाना वाना खिलाया, इसलिए कि रो रही थी, मुस्तकिल रो रही थी और कह रही थी। तो फिर बात पे बात निकली, इसने कहा कि मेरे हैं दो बच्चे हैं मेरे और बहुत छोटे हैं और शोर से झगड़ा हो गया, मैं यहाँ पर आ गई। तो वो कह रही थी, अपनी कहानी सुना रही थी, फिर मैंने इसको काफ़ी समझाया, बहलाया फुसलाया, फिर मैंने कहा कि आपके हस्बैंड का नंबर दो, फिर इनको कॉल की, फिर वो आए और लेके गए इसको। तो ये सबसे बड़ी बात ये होती है किसी का घर बचाना, हाय 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 हाय, तो ये होता है किसी का घर ना उजड़े, किसी का घर खराब ना। अगर आप ज्यादा उकसाती उकसाना, ठीक है तुम यहाँ के रह लो और कोई मसला नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे पीछे, उससे तो झगड़े तो होते रहते हैं, यहाँ भी में झगड़े तो छोटे छोटे मोटे होते रहते हैं। कहते हैं दो लोगों में सुलह करना मेरे रब को पसंद है, बड़ी बात। तो मुझे भी खुशी हुई कि हाँ मेरे मेरी वजह से घर बस गया, हाँ किसी का घर बसा, हाँ। बच्चे रुले नहीं, सारे माँ बाप तो अलग होते हैं, बच्चे रुल जाते हैं, तो बच्चों का तो कोई कसूर नहीं है। ये कहते हैं जाती अना जब माँ बाप में आ जाए तो फिर इस तरह का तो हो जाता है, अना को पीछे छोड़ के सब करना पड़ता है, अपनी अना को पीछे छोड़, बिल्कुल बिल्कुल। और जो देखो हमारे बच्चे आगे हैं, हमारे बच्चे हैं अभी, हमारी तो निकल गया, हमारे बच्चों को देखना है, इनकी परवरिश कौन करे, जब माँ बाप ही नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अच्छा जी, बिल्कुल माँ बाप नहीं है, बच्चे आपके पास पल रहे हैं बड़े, उनके लिए तो मम्मा आप हो गई ना, ये बिल्कुल सीधी मम्मा हो गई आप जी। मम्मी के तो मम्मी कहते ही थी अभी मुझे, छोटी मम्मी के कहते हैं, छोटी मम्मी कहते हैं मुझे, भाभी भी कहते हैं, छोटी मम्मी भी कहते हैं, माशाल्लाह बच्चे बहुत ज्यादा अटैच हैं मेरे, ये सारे जो बच्चे हैं तो बहुत प्यार देते हैं, इसलिए कि बच्चे भी देखते हैं जो हमसे अटैच होते हैं, हमसे ज़्यादा प्यार करते हैं, तो बच्चे भी खुश होते हैं कि हाँ हमसे ज़्यादा अटैच है। इनके साथ ही घुल मिल के बैठ जाते हैं, खेलते हैं, खाना पीना साथ साथ में सब चलता रहता है, तो बच्चे बहुत खुश होते हैं कि हमारा भी कोई है, अल्लाह कोई है, तो वो अपने घर को भी याद नहीं करते। बच्चियाँ भी जो हैं माशाल्लाह बड़ी बच्चियाँ हैं, मम्मी पाँच छः लड़कियाँ लेके आई थी शादियों के लिए, अभी इनके रिश्ते जो आए हुए हैं बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, वो अभी इंक्वायरी कर रहे हैं माशाल्लाह, फिर इंशाल्लाह एक दो महीने में बच्चियों का शादी इंशाल्लाह। अच्छा जी, आज सबा ईदी फैसल ईदी मौजूद है हमारे दरमियान और हम लोग अभी आपके सेंटर आए तो लेट्स सी हम विजिट भी करते हैं यहाँ पर, फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला चले जी। नाज़रीन आप भी हमारे साथ चले सबा फैसल ईदी के साथ। नाज़रीन इस वक्त जो है मैं ईदी सेंटर में मौजूद हूँ और एक ऐसी प्लेस मैंने देखी है जहाँ मैं सॉरी टू से कैमरा नहीं लेके जा सकती। ये नहीं है कि उन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया लेकिन मुझे ख़ुद ही अच्छा नहीं लगा कि मैं वहाँ लेके जाऊँ, क्योंकि वहाँ पर जो है वो मेंटल रिगार्डेड पर्सन और बच्चियाँ मौजूद थी और वो कुछ पैरालाइज फिज़िकली सीपी चाइल्ड इस तरह की बच्चियाँ और बच्चे थे, तो मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं कैमरे से उनको एक्सपोज करूं। तो लेकिन इन लोगों का बहुत बड़ा दिल है भाई, मैं तो ज़ाहिर बता दिल खफा हो गया, आंखों में आंसू आ गए थे जिस तरह मैं उधर जाके मिली सबसे, और वो जिस तरह मेरी प्यारी भाभी को चूम रही थी, प्यार कर रही थी और ये सबके साथ बैठ रही थी। वो लोग सारे कुछ मेंटली डिसऑर्डर्ड बच्चे थे और उन्होंने यहाँ पर बचपन गुजार के कुछ जवान हो गई, कुछ बूढ़े हो गई। तो मैं पहले भाभी से थोड़ी सी ये बात ज़रा पूछूंगी क्योंकि भाभी ने जो है वो वहाँ पर मुझे लेके गई इनकी मोहब्बत, लेकिन फिर मैंने कहा कि मुनासिब नहीं है। भाभी वहाँ पर मैं गई, बहुत कम से कम
200-300 खवातीन बच्चे सबको मिला के होंगे और वो आपके साथ ऐसे चूम रही थी और उनका दिमाग नहीं था, मैं सच बताऊँ वो दिमागी तौर पे एब नॉर्मल थे और कुछ सीपी चाहे जो बिल्कुल उठ नहीं सकते। मैं कहती हूँ कैसे पेरेंट्स थे या कैसे फैमिली थी जो अपने बच्चों को यहाँ पर छोड़ के चले। हम तो अत्ता के डॉक्टर साहब भी कहते हैं कि हम दवाइयाँ भी देते हैं इनको और इनके जैसे जो माँ बाप हैं भाई बहन हैं इनसे कहते हैं हम दवाइयाँ भी देंगे आपको, आपको कुछ खर्चा नहीं होगा मेडिसिन का भी, आप लेके जाओ। इसलिए कि वो कहते हैं कि हमें घर जाना है मगर घर वाले रखने के लिए तैयार नहीं है, रखने के लिए तैयार ये कहते हैं महीने में एक दफ़ा तो हम घर पर जाएँ मगर वो लोग रखने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा आप क्या बात करेंगी, इसका नाम क्या है, आपने क्या बात करना, वीनस का माइक आपने खाना है। शहजादा कहाँ हुए शहजादा, और ये क्या नाम है इसका परी का, बताओ दुआ क्या नाम है, दुआ दुआ किसकी गोद में हो, मम्मा की गोद में। ये मासूम बच्चों का क्या कसूर है और ये मासूम बच्चे जो आज जो है सब कुछ तो मिल रहा है, ऐसा नहीं शेल्टर भी है खाना पीना भी है लेकिन माँ बाप माँ बाप ही होते हैं, माँ बाप माँ भाई के होते हैं, चाहे दुनिया की हर नेमत मिल जाए मगर माँ बाप जैसी कोई नहीं, माँ बाप जैसा कोई नहीं है। अभी मुझे इधर सामने ग्राउंड है तो अभी आते हुए हम बात करी तो कहते हैं यहाँ पर सब इनकी डॉक्टर साहिबा जो इनके साथ 25 साल से इनके साथ हैं तो कहती हैं उम्रे पे मैं गई हूँ लेकिन मुझे कौन कहता है कि जब मैं वहाँ से इतने बड़े घर से अल्लाह के घर से वापस आने को दिल नहीं करता, लेकिन इन बच्चों के लिए मेरे जहन में यही थे कि बस जल्दी से वापस चली जाऊँ। तो ये बड़ी बात होती है, उनसे भी मैं मिलवाऊँगी, उनसे भी कुछ कमेंट्स हम लेंगे लेकिन थोड़ा हम चाहते हैं कि कुछ बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है भाजी? सही बिल्कुल ठीक। कितना टाइम हो गया यहाँ पर ईदी में? 15-16 साल हो गया। दिल नहीं करता कभी घर जाने को? जाती आती हूँ। अच्छा बस जाते हो फिर वापस? हाँ रह के आती 2-3 महीने जैसे दिल नहीं लगता घर जाते, यहाँ आदत पड़ गई ना सबकी इसलिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी है मेरी बहन? अल्लाह का शुक्र है। ईदी सेंटर में कितना टाइम हो गया है और कैसा माहौल लगता है आपको यहाँ पर? मुझे यहाँ पर 2 साल हो गए हैं, माहौल बहुत अच्छा है यहाँ का, घर जैसा माहौल दिया हुआ है इन लोगों ने हमको, हम लोग मतलब एक साथ बैठ के खाते पीते हैं, रहते हैं, सोते हैं, जागते हैं, दवाइयाँ वगैरह खाते हैं, खाना वगैरह साथ खाते हैं, अच्छा लगता है। अच्छा जी ऑफकोर्स ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, आपको एक माँ का दर्जा उन्होंने दे दिया इसमें कोई शक नहीं, आप इतने सारे बच्चों को उनकी माँ को एक मुकरर कर दिया, इससे बड़ा क्या रुतबा है। ये बच्चे कैसा आपके साथ ट्रीट करते हैं? बहुत अच्छा, इनके जैसे वो है कि बहुत प्यार करते हैं और जब भी मैं इनके पास जाती हूँ वो चिपक जाते हैं, जैसे एक बच्चा माँ के पास जाता है और जैसे उतावलापन जो बताता है वो होता है माशाल्लाह। मुझे बहुत चाहते हैं ये बच्चे सारे, सिर्फ एक सेंटर के नहीं सारे सेंटरों के बच्चे, मैं लाहौर जाती हूँ वहाँ पे भी बच्चे और बच्चियाँ जो हैं बहुत ज़्यादा अटैच हैं, इस्लामाबाद में, पिशावर में, कोयटा में, हर जगह जो हमारे सेंटर होते हैं और मैं जहाँ भी सेंटर विज़िट करने जाती हूँ मैं वहीं पर बच्चों के साथ ही रहती हूँ। कभी ऐसा होता है ना कि जैसे माँ से बच्चा ज़िद करता है या अपने बाबा से ज़िद करता है कि मुझे ये चाहिए मुझे वो, तो इन्होंने कभी आपको कहा हो कि आज हम लोगों ने जी घूमने जाना है, आउटडोर जाना है या ईद पे हमने ऐसे चप्पल पहननी, ऐसे कपड़े पहनने, कभी ऐसे ज़िद किया? जी बहुत करते हैं और माशाल्लाह इनकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं हम, इसलिए कि बच्चे हमसे ना अपना इज़हार नहीं करेंगे तो किससे करेंगे, तो पूरी कोशिश होती है जो जो जिसकी ख्वाहिश होती है वो चीज़ इनको दी जाए। और घूमने का जहाँ इनका है तो हम हर मंथ इनको बाहर भेजते हैं बच्चों के आउटिंग के लिए, कहीं जैसे खाना खिलाने के लिए, कहीं घूमने के लिए, गार्डन भी लेके जाते हैं। और जो ईदी विलेज में हमारा जो है वहाँ पे ईदी साहब की जो कब्र है वहाँ पे तो अलग से फैसल ने एक फार्म हाउस की तरह बनाया हुआ है ना, तो वहाँ अच्छे अच्छे पुल भी है, स्विमिंग पूल भी है, झूले भी हैं, सब है, तो फिर बच्चे वहाँ पे सारा दिन सुबह से लेके रात तक वहाँ पे एंजॉय करते हैं बच्चे सारे और बहुत खुश होते हैं। फिर जैसे ही घर पे आते हैं, जैसे हम अपने आते हैं तो फिर कहते हैं भाभी अभी दोबारा जाना है, तो फिर वो मंथ मंथ में हम सब ये करते हैं सारा इनको बच्चों को। अच्छा जी ये गुड़िया बेटी क्या नाम है आपका बेटा? बिस्मा। बात बच्चों की ऑफ कोर्स हम कर रहे हैं और भाभी भी हमारे दरमियान है, हमने हमारे साथ एक लेडी डॉक्टर इन सबको जो लुक आफ्टर करती हैं, हम चाहेंगे मैं उनके भी कमेंट्स लूं, तो नाज़रीन चलते हैं हम उनकी तरफ और आप साथ साथ देखिए सारे बच्चे उनकी जो है लेडीज़ भी यहाँ पर, उनसे भी कमेंट्स लेते हैं और उनके पास भी चलती हूँ मैं। और ये एक बड़ा सा आप देख रहे हैं प्रेमिसज है और उस साइड पर से मैं जब आई थी तो कुछ
डिसऑर्डर मेंटली जो बच्चे थे वहाँ पर बच्चियाँ लड़कियाँ औरतें मौजूद थी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, तशरीफ रखें। इस वक्त मैं डॉक्टर साहिबा के साथ मौजूद हूँ, इनका नाम है नसीम अतीक साहिबा, और ये पूरे माशाल्लाह जितने भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं और इन सबको लुक आफ्टर करती हैं, उनकी हेल्थ से रिलेवेंट 25 साल इनको हो गए ईदी सेंटर को लुक आफ्टर करते हुए। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम बेटे, बहुत अच्छा लगा, मैं आपके साथ विज़िट भी किया, गुफ्तगू भी की। हर तरह की बीमारियाँ, बच्चे, मेडिसिन देना, ये आपकी ड्यूटी है। जी बेटे, ये मेरी ड्यूटी है, लेकिन मैं अकेली डॉक्टर नहीं हूँ यहाँ, यहाँ कंसल्टेंट भी आते हैं, फिजिशियन भी आते हैं, ऑर्थोपेडिक भी आते हैं, तो और साइकेट्रिस्ट तो आते हैं लोग जी ना, तो यहाँ सिर्फ मैं अकेली नहीं हूँ। एक बात बताएं, इतना वक्त माशाल्लाह आपने कहा मुझे, जैसे मैंने इतने साल गुजारे 20 साल से ज़्यादा, कभी ऐसा वक्त कभी आपका भी दिल हो गया कि कैसे लोग हैं यार अपने अपनों को छोड़ के चले? बेटे ये तो हर लम्हा सोचते हैं हम, कभी की बात नहीं है, हर लम्हा ये सोचते हैं कि इस कदर ताज़ीम के काबिल जो रिश्ते हैं उनको उन्होंने यहाँ फेंक दिया है, उन रिश्तों को, उन लोगों को अगर घर में रखें तो उन्हें वो दुआएं मिलें जिसे वो ख़रीद नहीं सकते हैं। बहुत कुछ कर सकते हैं, पैसा होता है, लेकिन दुआएं ख़रीद नहीं सकते हैं। ये वो लोग हैं जो दुखे हुए दिल के साथ यहाँ पर हैं, अगर इन्हें घर ले जाकर वो लोग रखें तो फिर ये सोचें कि उनकी अल्लाह मियाँ काया पलट देगा, मगर नहीं समझते हैं, बस ये सोच ही की बात है ना। इनकी सारी बातों में एक बात जो बड़ी मेरी बहन ने की, वो ये कि दुनिया की हर चीज़ बंदा पैसे से ख़रीद सकता है, लेकिन जो चीज़ सबसे कीमती है उसे नहीं ख़रीद सकता, वो है दुआ। और माँ को छोड़ के चले जाना या बाप को छोड़ के, या उन मासूम बच्चों को जिनसे बहुत सारी दुआएं, बिल्कुल औलाद भी दुआ करती है, तो दुआएं तो लगती हैं, लेकिन हम उन दुआओं को लेना नहीं चाहते, उनकी कीमत ही हमने रखी नहीं है, वो कीमती नहीं समझा, तो कीमत क्या रखी? बिल्कुल एग्जैक्टली, हुकूकुल इबाद से तो बिल्कुल मुतनफ़िर हो गए हैं लोग, इस कदर नफसा नफसी है इस दौर में, इस कदर पैसे के पुजारी हैं कि पैसा बचाने की खातिर इन लोगों को यहाँ फेंका हुआ है कि हमें मेडिसिन ना ख़रीदनी पड़ जाए इनके लिए, इनके लिए इनके कपड़े ना ख़रीदने पड़ जाएँ, लिबास ना खरीद। ऐसा नहीं हुआ कि गिल्ट फील हुआ हो कि मैं एक एबनॉर्मल बच्चे को ले कर कैसे चलूँगा? हाँ मे भी, ये भी पॉसिबिलिटी है, ला के बेटा यहाँ झूले में डाल जाते हैं, ला के खुद अपने हाथों से दे के जाते हैं कि हम इसे संभाल नहीं सकते। अब आप सोचिए, अपना खून है, आप दूसरों के हवाले कर रहे हैं कि वो संभालें, आप उसको नहीं संभाल पा रहे हैं, किस कदर सितम ज़रीफ़ी है ये ज़माने की। अच्छा चलें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये भी समझ लूँ कि वो एक जॉब कर रहे हैं, अफोर्डेबल नहीं है, तो कम अज़ कम आना जाना कर सकते हैं, मिलते हैं ऐसे लोग आके कि बिल्कुल छोड़ के भी चले गए तो खुदा हाफिज़? मेजॉरिटी तो छोड़ के चली जाती है, फिर वापस मुड़ के भी नहीं आती है, और अपने बाज़ात तो एड्रेस भी गलत लिखवा कर जाते हैं, फ़ोन नंबर भी गलत लिखवा कर जाते हैं, उन एड्रेसेस पर जब पहुँचते हैं तो पता चलते हैं कि यहाँ तो ये थे ही नहीं कभी भी, और फ़ोन का भी यही हाल है कि अगर फ़ोन करो तो रॉन्ग नंबर। अलमिया है, बहुत बड़ा है इस ज़माने का अलमिया है कि अपने अपनों को भूल गए हैं, इस ज़माने का अलमिया है। हुकूकुल इबाद, उन हुकूकुल इबाद की कोई कदर नहीं, इंसानियत की कोई कदर, इंसानियत की कदर नहीं, एक्चुअली मज़हब को जानते ही नहीं है। अब आप देखिए कि मज़हब में कितनी अहमियत है माँ बाप की, कि आप अपने बीवी और बच्चों के मुंह में बाद में लुकमा दें, पहले माँ बाप के मुंह में लुकमा दें, आप माँ बाप को ला के फेंक गए हैं, और बीवी से ऐश कर रहे हैं, मैकडोनल्ड खा रहे हैं, और ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, इंतज़ार, अब आप देखिए ना कि वो इंतज़ार कर रही होती हैं कि कब आएंगे, और आंखें ठहर जाती हैं, मर जाती हैं। आप बच्चे का नाम लेंगे, देखें आपका बेटा आ गया, आंखें बंद हैं, होश नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन आंख खुली है, और उसी आंखों से वो रूह जो कफ़स से अंसरी से प्रवास कर जाती है, और वो आंखें खुली रह जाती हैं। ऐसी जगह आप लोग भी कुछ नहीं कर सकते, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि किसी तरह बेटा आ जाओ देख लो आपकी माँ। हम फ़ोन करते हैं, फ़ोन करते हैं, मिन्नतें करते हैं, हम उन्हें घर पहुँचाते हैं, फिर पता चलता है, या अगर अव्वल तो वो रखते नहीं हैं, और अगर रख भी लिया तो एक रात रखने के बाद दूसरे दिन सुबह फिर लाके गेट के ऊपर फेंक के चले जाते हैं। कहते हैं कि अभी आप मुझे देख रहे हैं, मैं बहुत सारे यहाँ पर इंटरव्यू लिया लोगों से, और कभी कभी कहते हैं माँ बाप बच्चों को झुका देते हैं, कभी कहते हैं कि बच्चे माँ बाप को झुका देते हैं, मुझे घुटने डाल दिए, मैं घुटनों में बैठ गई, ऐसा क्या है, ऐसा क्या है? इंसान का अगर दिल नहीं है ना, जिस इंसान के दिल में इंसानियत नहीं है, तो कुछ भी नहीं।
आप कभी आए, मैं कहती हूँ कभी कभी इंसान को कब्रिस्तान जाना चाहिए, कहते हैं कभी कभी आप ऐसे लोगों में, यतीम बच्चों में बैठा करें, कभी कभी ऐसी जगहों पर जाया करें, फिर आपको एहसास होगा। और जिस शख्स में एहसास नहीं है उसमें कुछ भी नहीं है। जब आप इनके पास बैठेंगे ना, इनकी बातें सुनेंगे, तो आप कहेंगे हम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं हम, अच्छे तो ये भी हैं, इनमें क्या ख़राबी पैदा हो गई, इन ये हम में से हैं और हम इन लोगों में से हैं, ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरी बड़ी बहन है, वो मेरी खाला की बेटी है, ऐसे हम रिश्ते बनाते हैं ना, तो कहाँ गए वो रिश्ते? क्या शादी होना ज़रूरी है? शादी नहीं हुई कोई बात नहीं, बहन भाई थे, माँ बाप थे, माँ बाप फोत हो गए, अरे बहन भाई तो थे ना। इंसान इन खूबसूरत जो अल्लाह पाक ने हसीन रिश्ते बनाए, वो कहाँ गुम हो जाते हैं? कि दुनिया सिर्फ जिसके पास पैसा है उसकी है? अरे आपके जेब में अगर कुछ भी नहीं है ना, आपका दिल बड़ा है तो आप उसको रोटी भी खिलाते, रोटी आप नहीं खिलाते हैं, वो रब खिलाता है। ये क्यों आपने सोच लिया? और अपने हसीन खूबसूरत रिश्ते जो अल्लाह ने दिए हैं, और वो जो आपके लिए हाथ उठा के बहनें दुआएं करती हैं, आपके लिए माएँ दुआएं करती हैं, आप उनको यहाँ फेंक के चले जाते हैं? ये आपका ईमान कहता है, ये आपकी इंसानियत कहती है। ये मत सोचें कि एक वक्त ये ना हो कि आपके बच्चे आपको इस तरह छोड़ के, आपके बहन भाई इस तरह आपको छोड़ के चले जाएं, या आपने जो बच्चे पैदा किए वो आपस में बहन भाई एक दूसरे के साथ ये सलूक करें जो आज आप अपनी सगी बहन के साथ कर रहे हैं, ऐसा ना करें। मेरी प्यारी बहनें यहाँ पर बैठी हैं, मैं इनसे ज़रा बात करूँगी। और अभी बोल रही हैं आप ऐसे, मैंने कहा अरे नहीं भाई, मैं अपनी बहनों के पास बैठी हूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पर मेरी प्यारी बहनें, क्या नाम है मेरी बहन? नाजमा खातून। इनका नाम है नाजमा खातून। अभी इनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा, मैंने कहा अम्मी अब्बू तो है ना जिन्होंने आपका, उन्होंने क्यों नहीं ख्याल किया? कह रहे अम्मी अब्बू फौत हो गए। मैंने कहा शादी? उन्होंने शादी भी नहीं की। बहन भाई वो तो थे। नाजमा जी, बहन भाई के होते हुए कितने साल से यहाँ पर हैं? मुझे 12 साल हो गए यहाँ आते जाते। 12 साल यहीं पर गुजार लिए? 3 साल रह के गई थी, फिर 2.5 साल 3 साल घर पर रह कर रही हूँ मैं, अब मुझे यहाँ 6 साल हो गए। कभी किसकी याद ज़्यादा आती है कि दिल भर जाता है यार, अम्मी होती तो ऐसा होता? अबू की याद बहुत आती है, अबू की याद आती है, दिल भर आता है, बस उनकी बातें याद आती हैं, इनके काम याद आते हैं, अम्मी भी याद आती हैं, अम्मी के भी अपने फर्ज हैं, फ़राइज़ पूरे किए हैं उन्होंने भी अपने, लेकिन अबू ज़्यादा याद आते हैं, अबू बहुत याद आते हैं। अबू को 2 साल हो गए, 14 साल पहले हुआ था, लेकिन अब अम्मी को 2 साल हो गए। इनके दिल है कि इनके अबू कभी आ जाए तो ये उनके गले लग जाएंगे, हमारे अपने, और हमने इनको यह छोड़ दिया। बाखुदा मैं कहती हूँ हम लोग इंसान ही नहीं। कुछ स्टोरीज ऐसी हैं यहाँ पर के मैं लफ्ज़ों में नहीं बयान कर सकती। मैं उन मासूम बच्चों को भी देख के आई हूँ जो 2-2 साल के, और वो ज़मीन पे लेटे हैं क्योंकि वो सीपी चाइल्ड है। मैं सोच रही थी वहाँ से भी, मैं रोती हुई निकली हूँ कि यार ये कौन से लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को यहाँ फेंक दिया? ये कौन सी बहन है, किसकी बहन है? क्या ये ईदी सेंटर के लिए बनी थी? मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं इन सब की कहानियाँ इनकी ज़बानी से सुनूँ, मेरी हिम्मत नहीं हो रही। बाखुदा मैं अपनी दूसरी बहन से बात करती हूँ, मुझे नहीं समझ में आता कि मैं इनकी रुदाद आपको सुनाऊँ और इनको दुखी करूँ। मुझे नहीं समझ में आता कि ये कौन से लोग हैं, ये कौन सी मखलूक है ये जो ईदी सेंटर में अपने मासूम बच्चों को, अगर उनकी 3 बेटियों से 4 बेटी हो जाए तो वो यहाँ छोड़ के चले जाते हैं, और ऐसे बच्चों को जिनके अगर होंठ कट जाए या अल्लाह ना करे उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम कि वो उनको पाल नहीं सकते, वो छोड़ के चले। अरे खुदा रा, अगर आप पाल नहीं सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो कम अज़ कम उनसे मिलने तो आए। वो एक दर पे माँ अपनी आँखें लगा के बैठी हुई है और वो कह रही है मेरा बेटा शायद ईद वाले दिन आ जाए,
कि शब रात वाले दिन आ जाए। अरे खुदा का खौफ ही आप लोगों में ख़त्म हो गया। मैं बात करूंगी अपनी एक और बहन से, और क्या बात करूं, मुझे समझ में नहीं आता क्या पूछूं, कि मैं तेरे जख्म को नोचने आई हूं, क्या तुझे याद इसलिए करवा रही हूं कि तू भी मेरे साथ रो ले। बा खुदा मुझे समझ में नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम। मैं वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम शाजिया फयाज सिद्दीकी है। मैं इलाज के हट से यहाँ पर छोड़ के आए, मेरे औलाद और मेरे ससुराल वाले, मैं यहाँ पर हूँ। वो खुश भी हूँ, नाखुश भी हूँ। बच्चे हैं, 22 साल का लड़का है मेरा, 24 साल की लड़की, शादीशुदा है। मुझे आ नहीं रहे, बहुत कहा कि आ जाओ ले मिलने आते थे, मिलने आए और ले जाए। मैं ये और कुछ नहीं कह सकती बच्चों के लिए। आपका दिल करता है मैं वापस चली जाऊँ अपने बच्चों में? इसका दिल नहीं करता होगा, 22 साल का बेटा, मैं भी उसके लिए रोटी बनाऊँ, मैं भी कहूँ मेरा बेटा बड़ी अच्छी नौकरी करता है, मेरा बेटा बड़ी अच्छी जगह जॉब करता है, मेरे हाथ में तनख्वाह ला के रखता है, ये माँ का दिल नहीं करता होगा? नहीं, हाथ खर्चा देते हैं, कभी 700 दे दी, कभी 600 दे दी है। अपना घर तो अपना होता है, अपना घर अपना होता है, जाहिर बात है। उस घर को संवारना कितना दिल करता होगा, हैं? क्यों नहीं, बहुत दिल चाहता है उसी घर में रहो, वही गुलशन है, वही है जो कुछ है, वही। मैं नहीं कर सकती कुछ भी, यानी कि मैं, मेरे पास ऐसा कुछ है ही नहीं है कि मैं करूं इन लोगों के लिए, क्योंकि मैं किसी के दिल में जगह ही नहीं बना सकूंगी इन लोगों के लिए। उनके दिल ही खाली से हैं, एक डब्बा से हैं, जो दुनिया के पीछे भाग रहे हैं। ये जन्नत है इस पांव के नीचे, जो दुनिया में अच्छी कहते हैं ना, फैसिलिटेशन ढूंढने के चक्कर में वो दुनिया की जन्नत में खोए हुए, और उनको अपनी माँ की जन्नत नहीं मालूम। नाज़रीन, यहाँ पर मैं छोटी सी ब्रेक लूंगी, मैं फिर आगे अपनी बहन से बात करूंगी। नाजमा बहन के पास ही हमने महफिल जमा ली है, सबा बाजी भी आ गई हैं। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे, जाहिर सी बात है उनके पेरेंट्स में कोई होगी प्रॉब्लम आई, अभी सबा बाजी बताएंगी, तो वो अपने बच्चों को छोड़ कर, मैं क्या बात करूँ। अभी ये बच्ची मौजूद है, इसके दो बहन भाई हैं, और जब ये आई थी ये खुद 12 साल की थी, ऑफकोर्स ये तो बहुत ही छोटे होंगे। तो अभी इनसे पूछते हैं, सबा बाजी से पहले पूछते हैं, उसके बाद इनसे बात करते हैं। जी सबा बाजी, क्या प्रॉब्लम हुई थी? ये माँ बाप में अलहती हो गई थी ना, तो ये माँ ने अलग शादी कर ली, बाप ने अलग शादी कर ली, बच्चे रुल गए, फिर बच्चे ये माँ आई और इनको दाखिल करवा के गई। ये तीनों बच्चियाँ हैं, ये तीन बहुत छोटी, ये तो बहुत छोटी थी, 5 साल हो गए तकरीबन ये यहाँ पे दाखिल है हमारे पास हैं, तो बस याद करती हैं और रोती भी हैं, कभी भी नहीं आई, कभी भी। अब क्या किया जाए, ये सोचने की बात है कि ये बच्ची जब आई थी ये खुद 12 साल की थी, ये ऑफ कोर्स इसके छोटे बहन भाई ये छोटे थे, माँ बाप की ऑफ कोर्स डाइवोर्स हो गई, उन्होंने अलग, एक ने अलग शादी कर ली, अपनी ज़िंदगी संवार ली, और ये कोई अलग से मशीनरी से तो आई नहीं थे, ऑफ कोर्स ये उनकी औलाद थे, तो उन्होंने ऐसे समझा कि ये कुछ, ये नहीं कि कुछ चीज़, ये वजूद ही नहीं कुछ। ये बच्चों को रुला दिया, अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए बच्चों को रुला दिया, खासकर ये तो बेटियाँ हैं माशाल्लाह, और बेटियाँ तो बहुत अच्छी होती हैं, तीनों बहनें हैं और माशाल्लाह देखें अच्छी हैं, प्यारी हैं। कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में बेटियां और बेटियों से ही उन्होंने प्यार किया है, और जिस घर में 3 बेटियां पैदा हो जाएं तो उन पे जन्नत वाजिब हो जाती है, मगर ये समझने की बात है, जो ना समझे ना समझे। और मेरा बच्चा, मैं भी अभी रो के हटू, मेरा शहजादा ना, मेरा शहजादा, ऐसे रोते क्यों ना मेरा सोना? यार माँ तो माँ है ना, आप बकवाल, आपके के सब कुछ मैं देती हूँ, माँ जैसा प्यार तो नहीं दे सकती ना, मिल सकती है, माँ बाप नहीं मिल सकते, मगर माँ बाप को सोचना चाहिए कि अपने बच्चों को इस तरह से लावारिस ना करें। बच्ची 17 साल की हो गई है, जब आई थी तो 12 साल की थी, और मैं सद के जाऊँ ना मेरा बच्चा ना, तारिश करो मेरा शिजा, देखो रोगी ना मैं बात नहीं कर पाऊंगी, अभी मैं बहुत रोई हूँ ना, अब आप नहीं रोना ठीक है। अच्छा बात करो मेरे साथ थोड़ा सा, मेरा बात करो। अच्छा पढ़ते हो आप? पढ़ते हो जी। अच्छा कौन सी क्लास में? फर्स्ट में। इन दोनों बहन भाइयों से प्यार भी होता होगा बहुत ज्यादा? नहीं, मारती तो नहीं हूँ बड़ी, नहीं तो बहुत, बिल्कुल नहीं। अच्छा अम्मी की कोई तस्वीर बहुत? नहीं नहीं रखी हुई,
वैसे तो चेहरा याद होगा, कभी घर का पता भी नहीं मालूम? नहीं, इनको इनको कभी घर का पता आपने नोट किया कि किसने नोट किया? वो छोड़ के जाते हैं तो घर का पता थोड़ी देते हैं। अच्छा, उन्होंने घर का पता ही नहीं दिया कभी गलती से भी कि चलो यार देख? कोई भी नहीं आया, 5 सालों में कोई भी नहीं आया, 5 सालों में कोई भी नहीं आया इनका, 5 से 6 साल में कोई भी यहाँ पर नहीं आया। क्या लगता है बेटा, कोई उम्मीद है या कभी मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं ज़रूर जाके पूछूंगी अपने माँ बाप से, सवाल करूंगी कि हमारा क्या कसूर है? कभी दिल में गुस्सा आया है कभी? आया तो था, मगर अब दुनिया में नहीं है दोनों जिससे कुछ करूं मैं, क्योंकि पहले एक दफ़ा मेरी बहन आई थी हम लोग, तो मैंने सवाल कर यही दिया था कि मैं नहीं जाऊँगी, मुझे यहीं रहना है और भाभी मम्मी के पास रहना है, बहुत ख्याल हो रहे हैं यहाँ पर। आपका नाम बड़ा प्यारा है, भाभी अम्मी। इस वजह से तो अभी मेरी बहन आई थी मिलने के लिए, मगर मैं खुद नहीं गई। आपकी और भी बहन है बड़ी? बड़ी सबसे बड़ी वो, मगर वो कहाँ है? वो कहाँ है? वो अपनी शादी में वहाँ पे अपने शोर के पास है मतलब। अच्छा, वो इनसे उनकी शादी हो गई इसका मतलब? अच्छा जी, ये बड़ी प्यारी सी शहजादी यहाँ पर मौजूद है, इसको मैंने कहा मेरे घर चलो ना, तो भाई इसने कहा मैं तो यहाँ पे पढ़ने आई हूँ। तो वो ख़वातीन कुछ अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, ऑफकोर्स या तो घर में काम करती हैं या कहीं जॉब ऑफकोर्स करती हैं, तो वो नहीं अफोर्ड कर सकती ये 2 वक्त की रोटी। अच्छा है कि अपने बच्चे को जान से मारने से बेहतर है कि ऐसी शेल्टर पे ला के रख दिया जाए जहाँ पे वो अच्छा तालीम हासिल करे, ये एक तरीका। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मिलते मिलाते रहना चाहिए, ये नहीं कि छोड़ के औलाद को आप भाग जाए और फिर परवाह ना करें। भूलें ना बच्चों को याद करें और बच्चों से मिलने के लिए आए, बच्चों को लेके जाएं तो बच्चों को भी एहसास होता है कि हमारे भी माँ बाप हैं। बिल्कुल, यानी कि माँ बाप छोड़ के चले गए मजबूरी में, उनकी प्रॉब्लम है, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर इस छोटी बच्ची को भी, ये अभी मैं इनसे पूछती हूँ तो कहती हूँ मैं पढ़ने आई हूँ, इनका नाम पूछते हैं, क्या नाम है आपका? आयशा। माशाल्लाह, पताका ही पताका। अच्छा जी आयशा, यहाँ पे क्या करने आए हो आप? पढ़ने। देखो ना इसे, ये इसके चेहरे की स्माइल बता रही है कि ये जो है कम्युनिकेशन में है, और अभी इसको ये नहीं अंडरस्टैंड कर सकती कि ये मजबूरी, इसको मजबूरी का वर्ड नहीं समझ में आएगा, लेकिन इसकी अम्मी के साथ एक प्रॉब्लम है, तो वो ऑफकोर्स कोई बात नहीं, एक शेल्टर में तो है, एक माँ के पास ये समझ लें। चलिए जी, हम लोग बाहर मुल्क में भी तो बच्चों को एजुकेशन के लिए भेजते हैं, दिस अ पॉजिटिव थिंग भी है वो, हम समझ सकते हैं कि ये शेल्टर उन लोगों के लिए भी है जो एक शेल्टर की रिक्वायरमेंट रखते हैं और उसको बड़े अच्छे तरीके से कनेक्ट रखते हैं। एक और यहाँ पर 2 चुटिया वाली बैठी हुई है, इसे कहते दो चुटिया वाली मियाँ जी की साली। बड़े प्यारे प्यारे मासूम बच्चे, इनका नाम पूछते, क्या नाम है बेटा? हलीमा। हलीमा, इनसे पहले भी बात हुई थी। अच्छा हलीमा, आप यहाँ क्या करने आए हो? मिलने के लिए आई हूँ। क्या करने आयो? मैं पड़ोसी से आई हूँ। क्या बोल रही? अम्मी लेकर आई है। अच्छा, इसकी भी अम्मी लेकर आई है। ऊंचा तो बोलो, खाती पीती नहीं हो? मैं खाती हूँ। क्या खाती हूँ? नाश्ता खाती है भाई मेरी बहन, जाते जाते खूबसूरत सा मैसेज सबके साथ। सबसे पहले तो ये मम्मी, जब मम्मी का इंतकाल होने वाला था तो उससे 2 घंटे पहले मैं वहीं पे थी, बल्कि सुबह से ही थी, इनका तो शाम को इंतकाल हुआ 6:45 बजे, तो मुझसे ही इन्होंने कहा कि सबा आपको सबका ख्याल रखना है और फैसल का भी, फैसल से भी कहना कि ना इनको भी शुगर है फैसल को, तो वो कह रही थी कि फैसल से कहना शुगर बहुत बुरी बीमारी है, आप अपना ख्याल रखोगे तो दूसरे को आप भी ख्याल रख सकोगे, तो यही इन्होंने आखिरी, तो इन्होंने यही जिम्मेदारी हमें सौंप के गई कि ना आप सबको करना है, सबका ख्याल, खिदमत करना है, इंसानियत का जो मिशन है जो हमने स्टार्ट किया वो आपको आगे तक लेके जाना है, और जिस तरह से मम्मी ने अबू का साथ दिया इस तरह से मैं भी फैसल का साथ दूंगी, मेरे बच्चे भी साथ देंगे, और इंसानियत के ये जो मिशन है हमें, हम हमेशा बरकरार रखेंगे और आगे तक लेके जाएंगे। और मैं मैसेज ये देना चाहूँगी कि सबको ये कदम उठाना चाहिए, ये इस रास्ते पे आना चाहिए कि वो इंसानियत की, कोई इसका मज़हब नहीं है, कोई मज़हब नहीं, कोई रंग नहीं, कोई नस्ल नहीं, बस आप ये कि इंसानियत के लिए सब आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। क्या बात है, इंसानियत के लिए आगे। मैं आपका बहुत शुक्रिया करूंगी सबा फैसल ईदी, इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद थी, आज मेरे एक्सक्लूसिव इनके साथ प्रोग्राम रहा प्राइड ऑफ पाकिस्तान, और ये हमारा प्राइड है और ये हमारा फ़ख्र है, और फ़ख्र पाकिस्तान ऑफ कोर्स बिल्किस ईदी और अब्दुल सत्तार ईदी, और ये पूरा एक्सक्लूसिव शो मैं उनके नाम डेडिकेट करती हूँ प्राइड ऑफ पाकिस्तान,
और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।